क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जो कि ज़्यादातर ऑटोमोबाइल्स को निर्माण करता है? और आपको ये पता है कि इस दुनिया में 70 तरह की जो फंडा होती है वो किस देश में मिलती है? ऐसे ही मज़ेदार फैक्ट देखने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। नंबर वन, क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया भर में सबसे पुरानी लकड़ी की इमारत जापान के नारा नगर हयोरजी मंदिर है? मतलब कि ये जो इमारत है काफ़ी ज़्यादा पुरानी और पूरी तरीके से लकड़ी से बनी है। नंबर टू, क्या आपको पता है जापान में 10 साल की उम्र होने तक बच्चों को कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ती है? मतलब कि जो जापान देश है वहाँ पे एक्चुअल में 10 साल तक किसी भी बच्चे को एक्चुअली किसी भी तरह की परीक्षा और किसी भी तरह का एजुकेशन नहीं दिया जाता है, बल्कि हमारा जो इंडिया है वहाँ पे एक्चुअली 5 साल से ही बच्चों को पढ़ाया जाने लगता है। नंबर थ्री, क्या आपको पता है कि जापान में बच्चे और अध्यापक एक साथ मिलकर क्लासरूम साफ करते हैं, लेकिन कि जो हमारा इंडिया है वहाँ पे एक्चुअली अध्यापक नहीं करते क्लासरूम, लेकिन बच्चों को वो क्लासरूम साफ करने के लिए बोलते हैं। और क्या आपको पता है कि जापान में एक ऐसी बिल्डिंग भी है जिसके बीच में से हाईवे गुजरता है? नंबर फाइव, क्या आपको पता है 60 वर्ष के बाद भी जापानी लोग खाली नहीं बैठते, वो काम करना और अपने आप को बिजी रखना पसंद करते हैं, मतलब भी काफ़ी अच्छी बात है। नंबर सिक्स, क्या आपको पता है जापान का केवल 12% हिस्सा खेती के लिए उपयोग है? मतलब कि जो जापान देश है वहाँ पे एक्चुअली 12% ही जो हिस्सा एक्चुअली एग्रीकल्चर के लिए उपयोग किया जाता है। नंबर सेवन, क्या आपको पता है जापान में 70 तरह की फंटा मिलती है, मतलब कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। नंबर एट, क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में जापान एक ऐसा देश है जो कि सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स निर्माण करने वाला देश है?